नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में, जहां हम आपको कराएंगे माता पार्वती के प्रमुख मंदिरों के दर्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्वती उमा या गौरी मातृत्र, शक्ति, प्रेम, सौंदर्य, सद्भाव, विवाह, संतान की देवी है। देवी पार्वती कई अन्य नामों से जानी जाती है। ये सर्वोच्च हिंदू देवी परमेश्वरी आदि पराशक्ति की साकार रूप है और शक्त संप्रदाय या हिंदू धर्म में एक उच्च कोटि या प्रमुख देवी है और उनके कई गुण, रूप और पहलू हैं। उनके प्रत्येक पहलुओं को एक अलग नाम के साथ व्यक्त किया जाता है, जिससे उनके भारत की क्षेत्रीय हिंदू कहानियों में 10,000 से अधिक नाम मिलते हैं। लक्ष्मी और सरस्वती के साथ वो हिंदू देवी देवताओं की त्रिमूर्ति का निर्माण करती है। माता पार्वती हिंदू भगवान शिव की पत्नी है। ये पर्वत राजा हिमांचल और रानी मैना की बेटी है। पार्वती हिंदू देवताओं गणेश, कार्तिकेय, अशोक, सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी की माँ और अयप्पा की सौतेली माता है। यह देवी पार्वती को सर्वोच्च परम ब्रह्मा की शक्ति या आवश्यक शक्ति के रूप में प्रकट किया गया है। उनकी प्राथमिक भूमिका एक मध्यस्थ के रूप में है, जो अग्नि, वायु और वरुण को ब्रह्मा ज्ञान देती है। चंद्रबदनी मंदिर। चंद्रबदनी मंदिर सती के शक्ति पीठों में से एक एवं पवित्र धार्मिक स्थान है। चंद्रबदनी मंदिर टिहरी मार्ग पर चंद्रकूट पर्वत पर स्थित लगभग 8,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर देवप्रयाग से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने यहाँ शक्ति पीठ की स्थापना की थी। धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि में चंद्रबदनी उत्तराखंड की शक्ति पीठों में महत्वपूर्ण है। स्कंद पुराण, देवी भागवत और महाभारत में इस सिद्ध पीठ का विस्तार से वर्णन हुआ है। प्राचीन ग्रंथों में भुवनेश्वरी सिद्ध पीठ के नाम से चंद्रबदनी मंदिर का उल्लेख है। मंदिर में माँ चंद्रबदनी की मूर्ति न होकर श्री यंत्र ही अवस्थित है। किंवदंती है कि सती का बदन भाग स्थान पर गिरने से देवी की मूर्ति के कोई दर्शन नहीं कर सकता। पुजारी भी आंखों में पट्टी बांध कर माँ चंद्रबदनी को स्नान कराते हैं। माया देवी मंदिर। माया देवी मंदिर हरिद्वार की एक प्राचीन धार्मिक मंदिर है, जिसे भारत में मौजूद एक शक्ति पीठ के रूप में गिना जाता है। ये 51 शक्ति पीठों में पंच तीर्थ स्थलों में से एक है। ये मंदिर हिंदू देवी सती या शक्ति द्वारा पवित्र किया गया भक्ति स्थल है। माया देवी मंदिर हरिद्वार में एक प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है। ये मंदिर हिंदू देवी माता को समर्पित है और इसका इतिहास 11वीं शताब्दी से उपलब्ध है। माया देवी मंदिर भारत में उत्तराखंड राज्य के पवित्र शहर हरिद्वार में देवी माया को समर्पित है। यह माना जाता है कि देवी के हृदय और नाभि इस क्षेत्र में गिरे थे, जहां आज मंदिर खड़ा है, और इस प्रकार से ये शक्ति पीठ के रूप में भी जाना जाता है। हरिद्वार को पहले इस देवता के सम्मान में मायापुरी के नाम से जाना जाता था। माया देवी शक्ति पीठ एक विशेषता ये भी है कि मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी को मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण होता है। मान्यता है कि इस अद्भुत त्रिभुज को दिव्य लाभ भी यहाँ आने वाले भक्तों को प्राप्त होता है। कामाक्षी अमन मंदिर। कामाक्षी अमन मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम तीर्थनगर में स्थित देवी त्रिपुर सुंदरी रूप में देवी कामाक्षी को समर्पित है एक हिंदू मंदिर। इसे साथ आदि गुरु शंकराचार्य का नाम भी जुड़ा है। ये मदुरई के मीनाक्षी मंदिर, तिरुवन के अखिलेश्वरी मंदिर तथा वाराणसी के विशाल लाक्षी मंदिर की तरह ही देवी पार्वती को मुख्य मंदिर है। यहाँ विराजमान देवी की भव्य मूर्ति है। कामाक्षी मंदिर को पल्लव राजाओं ने संभवत 6वीं शताब्दी में बनाया था। ये मंदिर कांचीपुरम शहर के मध्य में स्थित है। श्रद्धालु की आस्था यहाँ का बड़ा केंद्र है। 1.5 एकड़ में फैला ये मंदिर शक्ति के 3 सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। ये मंदिर कांचीपुरम के शिवकांची में स्थित है। कामाक्षी देवी मंदिर देश के 51 शक्ति पीठों में सम्मिलित है। भारत के 12 प्रधान देवी विग्रहों में ये एक मंदिर है। बिरजा देवी मंदिर उड़ीसा। उड़ीसा के जाजपुर में माँ बिरजा देवी बहुत महत्व का एक अनूठा मंदिर है। यहाँ न केवल एक शक्ति पीठ है, बल्कि
नाभि गया का स्थान है जो श्रद्धा और पिंड दान जैसे मृत्यु समारोह के लिए तीन सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। माँ बिरजा देवी मंदिर वो स्थान है जहाँ माता सती की नाभि गिरी थी। ये भगवान ब्रह्मा शिव और विष्णु द्वारा दिए गए यज्ञ के स्थानों में से एक है। ये क्षेत्र बिराज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और प्राचीन काल में तीर्थ के रूप में विकसित हुआ। आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया और अंत में 1840 में इसका पूर्ण निर्माण किया गया। गर्भगृह में महिषासुर पर देवी की एक मूरी खड़ी दिखाई देती है। बगलामुखी माता को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है। मंदिर एक त्रिभुज के आकार का है जिसे प्रत्येक कोने में शिवलिंग है। विभिन्न देवताओं को समर्पित परिसर के भीतर कई अन्य मंदिर है। बैद्यनाथ जय दुर्ग मंदिर। बैद्यनाथ में जय दुर्ग मंदिर वो स्थान है जहाँ सती का हृदय गिरा था। यहाँ सती को जय दुर्गा और भगवान भैरव को बैजनाथ या बैजनाथ के रूप में पूजा जाता है। शक्तिपीठों को वैघनाथ धाम या बाबा धाम के नाम से जाना जाता है। चूंकि सती का हृदय यहाँ गिरा था इसीलिए इस स्थान को हरदा पीठ भी कहा जाता है। बैजनाथ में रूप में भगवान भैरव को महत्वपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रूप में पूजा जाता है। मंदिर 72 फीट लंबा सफेद सादा पुराना ढांचा है जिसमें विभिन्न देवताओं को समर्पित छोटे छोटे मंदिर हैं। मंदिर के भीतर दुर्गा और पार्वती की मूर्तियां एक चट्टानी मंच पर मौजूद है। लोग आमतौर पर इस पर चढ़ते हैं और देवी देवताओं को फूल और फूल चढ़ाते हैं। कई तांत्रिकों ने जय दुर्गा की पूजा की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। त्रिपुर मालिनी मंदिर। माँ त्रिपुर मालिनी का भव्य मंदिर पंजाब राज्य के जलंधर रेलवे स्टेशन से कुल 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देवी सती के 51 शक्ति पीठों में शामिल हुए प्राचीन मंदिर को देवी तालाब मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। स्थान पर देवी सती का बाया वक्ष यानी स्तन गिरा था। मान्यता के अनुसार यहाँ की शक्ति त्रिपुरा मालिनी तथा भैरव भीषण है। हिंदू विशेष पर्व जैसे नवरात्रि और भदरवी पूर्णिमा के दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ उमड़ती है। इस दौरान यहाँ पर माँ त्रिपुरा मालिनी का बड़ा मेला लगता है जिसमें कई हजार भक्त माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। इस मंदिर में शिवा की भीषण के रूप में पूजा की जाती है। मंदिर का शिखर सोने से चमकाया गया है। पुराने इतिहासकारों के अनुसार ये मंदिर 200 साल पुराना है। यहाँ देवी सती का स्तन गिरने से एक मंदिर का स्तन पीठ भी कहा जाता है। विशालाक्षी मंदिर। मंदिर देवी सती के दिव्य रूप देवी विशालाक्षी देवी को समर्पित है। ये मंदिर 51 शक्ति पीठ में से एक है और मंदिरों में प्रसिद्ध आश्रय का हिस्सा है। कांची कामाक्षी मदेरु मीनाक्षी और काशी विशालाक्षी पौराणिक कथाओं के अनुसार वाराणसी के इस पवित्र स्थान पर देवी सती की बाली गिरी है। एक अन्य संस्करण कहता है कि ये शक्ति पीठ केवल इसीलिए है क्योंकि सती की 3 आंखों में से एक यहाँ गिर गई थी। जैसे दिव्य नेत्र पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं या माता को विशाल आंखों वाली विशालाक्षी कहा जाता है। श्री विशालाक्षी मंदिर दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली में बनाया गया है। प्रवेश द्वार पर गोपुरम नक्काशी है और मंदिर में शिवलिंग की एक श्रृंखला है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।